हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैक्स दोस्ती में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर जा रहा है। और इस सेशन दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 156 से क्वेश्चन नंबर 160 करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट 32 है। तो यदि दोस्तों चैनल पर पहली विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो इसे देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 156 है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले प्रयास कीजिए दोस्तों, आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकंड का। तो अब पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे ₹950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, यह हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। और ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 2016 में पूछा चुका है। तो सबसे पहले एक टेप रिकॉर्डर है, उसका दाम उसको कितना बेचा है, तो 1040 में बेचा है तो उसको 4% का लाभ होता है। यानी सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, तो सेलिंग प्राइस 1000 कितना है दोस्तों, 40 है, ठीक है, 1040। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 4% का। अगर दोस्तों हम लोग कंपेयर करें परसेंटेज में ही, रुपया जो 1040 है रुपया में है, अगर हम लोग 1040 को परसेंटेज में के रूप में लाएं तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि CP हमेशा क्या होता है, 100% होता है। और SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यही तो होता है सेलिंग प्राइस परसेंटेज में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4% का। और 100% यानी 100 प्लस में 4 यानी 104% हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 1040 दिया गया है। तो कंपेयर कर देंगे तो 104% बराबर कितना है, तो 1040 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो ₹10 हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस जो कि 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 और बैठ जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस वो कितना, 1000 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। यानी हमारा CP निकल के आ गया 1000 और बोल रहा है कि अगर 950 में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो 1000 चीज को हम लोग 950 में बेच रहे हैं, यानी 50% का हानि हो रहा है, तो परसेंटेज हमें लॉस निकालना है। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बटा CP गुने 100। लॉस कितना का हो रहा है, 50 का हो रहा है। CP कितना है, तो 1000 है गुना में 100। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना का हानि हो रहा है, तो 5% का हानि हो रहा है। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना था कि आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 1040 दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 104% कर देते हैं। इतना लिखने का जो नहीं था कि ये एक समझाएं भी लिखे हैं, SP क्या होता है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 104%। डायरेक्ट आपको लिखना था 104% और कितना, 1040 यानी 1% और कितना, 10, तो 100% और कितना, तो 1000। अब 950 में बेच रहे हैं यानी 1000 चीज 950 में बेच रहे हैं, यानी 50 का हानि हो रहा है, कितना पे, 1000 पे गुना 100 यानी 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 156 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 157 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 157 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास की बनाने का। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक TV है जो 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ प्राप्त होता। यानी इसे 10% अधिक और लाभ बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, उसका क्रय मूल्य कितना है, ये भी निकालना है। और आपको ऑप्शन है 2000, 5000, 10000 और 15000। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको बनाना समझिएगा। दोस्तों एक TV है जिसको 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर जाता तो 1000 का अधिक और उसको लाभ होता। तो देखिए जब भी दो आपको लाभ दिया रहे, प्रॉफिट दिया गया, पहले 5% है फिर दिया गया 10% दिया गया है, और ये क्या है दोस्तों, प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना होगा, और 1000 क्या है यानी 1000 अधिक मिलता है, ये क्या है, डिफरेंस है। तो जब भी आपको दो सेम यूनिट है, प्रॉफिट और प्रॉफिट है, तो हमेशा क्या कीजिएगा, डिफरेंस दे दीजिएगा। तो 10 में से 5 कटेगा यानी 5%, और भी 5% के बराबर कितना हो गया, 1000, यानी 5% बराबर कितना हो गया हमारा, 1000 के बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, जो कि 100% होता है। CP में से क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो 5% बराबर 1000 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से 200 हो गया और 20 और यानी 20000 रुपया क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 20000 रुपया आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है।
तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 157 था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 158 पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 158 करने जाने हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय था प्रयास दिखाने का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, ये निकालना है। यानी आपको लाभ विक्रय मूल्य के कंपेरिजन में निकालना है, ठीक है। काफ़ी ईजी प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 2016 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। तो एक स्टोर में लागत मूल्य पे उसको यानी 25% का लाभ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाभ होता है हमेशा लागत मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है। तो 25% का फ्रैक्शन मूल्य कितना होता है, तो 1/4 होता है। यानी अगर 4 हमारा को लागत मूल्य है तो 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी हमारा प्रॉफिट कितना का है, 1 का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, तो सेलिंग प्राइस 5 हो गया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, लेकिन किसके कंपेरिजन में, तो सेलिंग प्राइस के कंपेरिजन में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे, तो हमें अब जो दिया गया क्वेश्चन वो क्या दिया गया है, हमें विक्रय मूल्य पे निकालना है। यानी कंपेरिजन किसे करना है, विक्रय मूल्य पे करना है। तो 1/5 और गुना में 100, यानी 20% का हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि सेलिंग प्राइस के कंपेरिजन में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन 159 पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 159 इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाख पर, अभिलाख मतलब क्या होता है, लाभ पे, यानी 5% के लाभ पर बी को बेचा और बी ने उसे 4% के अभिलाख यानी लाभ पर सी को बेची। यदि सी ने उसके लिए ₹91 अदा किया तो ए ने उसकी कीमत की अदा की थी, यानी ए ने उसकी कीमत कितनी रुपये अदा की थी हमें निकालना है। यानी आपको कॉस्ट प्राइस जो शुरू का जो मूल्य है घड़ी का वो आपको निकालना है। इस तरह का जब भी प्रश्न निकलता है बहुत ही आप आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये प्रश्न हमारा SSC CPO 2016 में पूछा चुका है। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो ए ने एक घड़ी बी को बेचा 5% लाभ पे, अभिलाख में क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। तो ए ने बेचा बी को कितना, तो 5% के लाभ पे। तो 5% का फ्रैक्शन मूल्य कितना होता है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है। यानी 20 अगर मूल्य था ए का, तो 1 के लाभ बेचा यानी 21 में बेचा। अब बी क्या करता है, बी है उसे 4% के अभिलाख यानी लाभ पे सी को बेचता है। बी किसको बेचता है दोस्तों, तो बी है जो सी को बेचता है, कितना पे, तो 4% के लाभ पे। तो 4% का अगर फ्रैक्शन मूल्य देखें तो कितना होता है हमारा, 1/25 होता है। यानी बी अगर 25 में खरीदा तो 1 के लाभ बेचा यानी 26 में बेचा। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी का हमें वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इस तरह जब भी आपको दिखे रेशियो में तीन चीज़ रहे, तीन आदमी रहे, ए बी सी है, तो आप शिफ्टिंग मैटर से आराम से बना सकते हैं इसको। 21 है जो इधर शिफ्ट हो जाएगा और 25 है जो इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ 25 लिख लीजिए, यहाँ 21 लिख लीजिए। अब ए में ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी में बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी में सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 20×25 कितना हो जाएगा हमारा, 25×500 हो जाएगा। 21×25 कितना हो जाएगा, तो 21×25 करते हैं कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं 21×25 को। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है 21×25 करते हैं। तो 21×25 5×5 10 2 4 5 2 यानी 525 हो गया। अब सी का भी करते हैं 21×26 को, इतना हो जाएगा हमारा 6×12 2 4 6 4 5 यानी 546 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 546 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों किसका निकालना है, तो सी का उसने 91 अदा किए। यानी 546 यूनिट का वैल्यू, 546 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ₹91 दिया गया। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें ए का वैल्यू चाहिए यानी 500 का वैल्यू चाहिए हमें। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 546 यूनिट बराबर ₹91 हो गया। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया, तो ₹91/546 हमें किसका चाहिए, तो हमें 500 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, यानी 500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ₹91/546 अगुना में 500, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें 500 यूनिट का वैल्यू चाहिए था। अब 91 से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 91 से डायरेक्ट 6 बार में कीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 500/6 आ गया, तो इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं 500/6 को, 3 हो गया, फिर ये कितना हो गया 250 हो गया। यानी कितना आएगा दोस्तों, अगर हम 82 लेते हैं तो कितना आएगा, 82×3 3×6 8 24, हाँ अगर 82 लेते हैं तो 82 होल 4/3 हमारा आएगा, कितना आएगा, तो 82 होल 4/3 यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 83 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3×8=24, ठीक है,
तीन इंटू 24 हो गया, ये 10 हो गया, हाँ 83, 83 होल 1/3 यानी 83.33 क्या हो गया दोस्तों हमारा रुपया आंसर हो गया, 83.33 रुपया हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए बोर्ड आता कि ए है जो बी को बेचा 20% लाभ पे तो 20 से 21 हो गया, बी है जो सी को बेचता है 25% लाभ पे यानी कितना हो गया हमारा 25 से 26 हो गया। अब शिफ्टिंग मेथड के द्वारा ए का वैल्यू 500 हो गया, बी का 525, सी का 546, ठीक है दोस्तों। तो 546 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 91 दिया गया, तो हमें ए का वैल्यू निकालना था। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 91 बटा 546 हो गया, हमें ए का निकालना जो कि 500 यूनिट था, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया हमारा, तो 500 बटा में 6 आया। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा 83.33 रुपया, यानी ए का जो हमारा पूछ रहा था कि ए ने उसकी कीमत कितनी अदा की थी, तो ए ने कितनी अदा की थी रुपया, तो 83.33 रुपया अदा की थी। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 159, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 160 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 160 करने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन रहा जो कि दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला, यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है, यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल में दोस्तों बच्चे फंसते हैं और ये प्रश्न हमारा SSC CPO SI 2016 में हो चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह प्रश्न दिखे तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पर दे रहा है दोस्तों। 10% का अगर देखें फ्रैक्शन वैल्यू तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, यानी अगर अंकित मूल्य आपका यानी MRP आपका 10 है तो एक कमीशन दे रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अब दिया गया कि 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है हमें, 1/5 होता है, यानी 5 अगर CP है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ CP लिख लीजिए, तो कितना CP रहेगा, अगर 5 CP है दोस्तों तो हमारा जो 6 है वो क्या रहेगा हमारा SP हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 5 तो CP रहा और 1 का लाभ हो रहा है, 6 क्या हो गया SP हो गया, हमेशा दोस्तों ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये अब शिफ्टिंग मेथड हम लोग जानते हैं, जब भी इस तरह का दिखे तो शिफ्टिंग मेथड 6 इधर हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, 9 इधर हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब दोस्तों ये 60 हो गया, ये 54 हो गया और ये 45 हो गया, तो हम लोग किससे काटेंगे दोस्तों, अगर 3 से काटते हैं तो ये 20 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, यानी 20 रेशियो 18 से 15, ये हमारा क्या निकल गया, MP SP और CP का दोस्तों रेशियो निकल के आ गया 20 18 और 15, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, तो कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है, 15% बढ़ा कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, तो 3/20 होगा, यानी 23/20 क्या हो गया दोस्तों हमारा, सॉरी 15% कमीशन बढ़ाया जाता है, यानी अगर 20 हमारा क्या हो गया हमारा, 20 हमारा अगर MP हो गया तो हमारा कमीशन कितना हो गया हमारा, बढ़ के 23 हो गया, यानी कमीशन कितना हो गया दोस्तों बढ़ के हमारा, तो कमीशन तो 3 हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा, यानी कमीशन कितना हो गया, 17 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। कमीशन तो 3 है लेकिन बढ़ के हमारा कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 17 हो गया, तो 20 हमारा क्या है, MP है, यहाँ भी 20 यूनिट है, यानी 20 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 20 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हमें किसका निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है आपको क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमें निकालना है, तो लाभ हुआ यानी हमें क्या करना है दोस्तों, तो MP न्यू SP कितना हो जाएगा हमारा, न्यू SP और CP में हमें डिफरेंस लाना है, यानी न्यू SP हमारा 17 हो गया और ये हमारा 15 हो गया, ठीक है। तो न्यू SP कितना हो गया हमारा, न्यू सेलिंग प्राइस वो कितना हो गया हमारा, 17 हो गया और हमारा जो CP है वो कितना है, 15 है, यानी कितना का हमारा लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, कितना पे, 15 पे और गुना में 100, यानी 5 × 15 = 20 हो गया, यानी 40/3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 13 होल 1/3% दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो फिर से समझेंगे दोस्तों एक बार अच्छे से, सबसे पहले 10% का कमीशन हो रहा था, तो कमीशन किस पे हो रहा था, MRP पे, यानी 10 अगर MRP है तो 1 का कमीशन यानी SP कितना होगा, 9 हो जाएगा, तब हमें 20% का लाभ हो रहा था, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का लाभ हो रहा है, 6 में बेच रहे हैं, तो 5 का लाभ 6 में बेच रहे हैं, तो शिफ्टिंग मेथड से हम लोग MP SP और CP का रेशो निकाल लिए, तो 20 18 और 15 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम लोग कमीशन को कितना से बढ़ा दें दोस्तों,
15% बढ़ा दे तो 15% का फ्रैक्शन कितना 3/20 होता है, यानी 20 तो हमारा क्या है ये कमीशन, 20 क्या है हमारा जो एमपी यानी मार्क प्राइस है, और ये 3 कमीशन यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना होगा 17 हो गया। बस इसी से कंपेयर करना है, यहाँ 20 हो गया हमारा, यहाँ भी 20 है यानी 20 × 20 हो गया यानी 1 × 1 हो गया, ठीक है। तो इसे कंपेयर करना है, तो इससे हम लोग अब देखिए अगर यहाँ 40 रहता तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते 34 को बनाना पड़ता, लेकिन 20 यहाँ भी है यहाँ भी 20 है तो हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 17 है और यहाँ हम कंपेयर कर रहा है इतना का लाभ होगा हमारा, तो नया जो सेलिंग प्राइस वो 17 हो गया और हमारा सीपीओ कितना 15 है, यानी कोई चीज़ न्यू एसपी आना न्यू सेलिंग प्राइस ये 17 है और सीपी कितना 15 है, तो कितना का लाभ हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है, कितना पे 15 पे, तो 2/15 × 100 किए तो हमारा कितना आंसर आ गया हमारा 13.13% आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 आपको समझ में आ गया और कैसे उसे सॉल्व करना है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए और टिक मार्क कर दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको समझ में नहीं आया कैसे इसको बनाना है, तो एक बार दोस्तों 4 बार जरूर बनाएं आप। पहले क्या करें एमपी एसपी और सीपी का रेशियो ले लें, 10% कमीशन हो रहा है, सॉरी 10% क्या दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं दोस्तों 10% कमीशन दे रहे हैं यानी एमआरपी पे, यानी 10 हमारा एमआरपी है तो 1 का क्या हो रहा है कमीशन दे रहे हैं, यानी एसपी कितना 9 हो गया, ठीक है। तो 10 9 फिर लाभ भी हो रहा है हमें 20% का यानी 5 से 6 हो गया, सेफ्टी मेथड के 20 18 15 आ गया। और फिर कंपेयर करना है तो बोल रहा है कि अगर हम लोग जो हमारा कमीशन है वो 20% बढ़ा दें, सॉरी 15% बढ़ा दें यानी 3/20 हो गया यानी 20 एमपी है तो